दोस्तों सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की आवाज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज 125 CRPC को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट ने क्या ऐतिहासिक जजमेंट दिया है जो आपके सामने मैं रखूंगा। इस वीडियो में पूरी डिटेल बताऊंगा कि इस जजमेंट में आखिर राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा क्या है। दोस्तों 125 CRPC को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट में परमिला भाटिया बनाम विजय कुमार नामक का एक केस था जिसमें राजस्थान हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा गया है, अगर मान लो लोअर कोर्ट ने गलती से 125 CRPC का खर्चा पति के पक्ष में बांध दिया हो तो आप उस 125 के खर्चे को राजस्थान हाई कोर्ट से किस प्रकार से खारिज करवा सकते हो या बंद करवा सकते हो। लेकिन बंद कराने का सबसे पहले मैं बताऊंगा कि कोई भी व्यक्ति पति और पत्नी पति के खिलाफ 125 CRPC का भरण पोषण का केस करती है, भरण पोषण का केस करती है तो पत्नी अगर तथ्य छुपाती है, अगर पत्नी पढ़ी लिखी है, कमाने लायक है, डिग्रीधारी है, ग्रेजुएट है, अगर ये सारे तथ्य छुपाकर पत्नी कोर्ट में झूठ बोलकर 125 CRPC के भरण पोषण का फैसला अपने हक में करवा लेती तो आप राजस्थान हाई कोर्ट का जो फैसला है मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, लिंक दूंगा, आप उस लिंक पर जाकर उस पूरे फैसलों को पढ़कर आप भी अगर आपके इस प्रकार का कोई 125 CRPC का केस है तो आप इस जजमेंट का हवाला देते हुए आप भी केस बंद या खर्चा बंद करवा सकते हो। क्योंकि कोई भी पति हो या पत्नी अगर ये सारे तथ्य छुपाते हैं तो इस जजमेंट में स्पष्ट लिखा है, उसमें ये कहा गया है कि अगर पत्नी पढ़ी लिखी है, नौकरी है, ग्रेजुएट है, कमाने लायक है तो उसकी गलती से या लोअर कोर्ट ने मेंटेनेंस बांध दिया है तो आप उसे चैलेंज कर सकते हो इस केस का हवाला देते हुए। इस केस में यह भी कहा गया है कि कोर्ट ने यह टिप्पणी की है हाई कोर्ट ने कि आप एक साल तक या तो आप अपना खर्चा खुद चलाएं अन्यथा आपका एक साल बाद आपका मेंटेनेंस बंद कर देंगे। एक साल तक का मोहलत दी है हाई कोर्ट ने 125 CRPC में परिमला भाटिया बनाम विजय कुमार नामक इस केस में। इसलिए मेरा कहने का मतलब है, सिंपल भाषा में बता देता हूं आपको, अगर आपके किसी भी दोस्त के साथ इस प्रकार का 125 CRPC में भरण पोषण की राशि ज्यादा है या गलत तरीके से बांध दी है या पत्नी कमाने लायक है या नौकरी पैसा है या पैसे वाली है तो आप इस जजमेंट का हवाला देकर आपका खर्चा भी बंद करा सकते हैं। ये स्पेशल इस जजमेंट में दिया है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मैंने जो जजमेंट का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दूंगा आप इससे देखकर पढ़कर आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और उनका भी मेंटेनेंस बंद करा सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।